गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए, स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। मैं आपका मित्र मनोज कुमार, आज हम आपको रेशियो प्रोपोर्शन बता रहे हैं। कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेशियो क्या होता है, और रेशियो क्या होता है, जैसे इनको हम अपने दैनिक जीवन में डेली यूज में लेते आते हैं। रेशियो रेशियो क्या होता है, रेशियो है जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉटल है, अब हम ये कहें कि इस बोतल का आप कंपैरिजन कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? ये तो सिंगल बोतल है, इसका कंपैरिजन कैसे होगा? तो कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या होता है, एक से अधिक चीजों की जरूरत होती है। तो हमने एक और बोतल बना दी यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे, ये जो बोतल है, अब आप इसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये जो है लार्ज बोतल है और ये जो है स्मॉल बोतल है, ये क्या है, स्मॉल बोतल है। तो हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, ये बड़ा बोतल है और ये छोटा बोतल है। क्या जो बड़ा है वह हमेशा बड़ा हो सकता है, या फिर जो छोटा है वह छोटा हो सकता है? तो इसके लिए हमें एक और बोतल ले लेते हैं। अब हम क्या देखते हैं, यह सबसे बड़ा बोतल है, तो कोई भी चीज बड़ा बड़ा नहीं रहता और कोई छोटा छोटा नहीं रहता। तो हम क्या देखें, पहले इन दोनों में कंपैरिजन किए और फिर ये बड़ा है फिर ये छोटा है, लेकिन जब इससे कंपैरिजन करते हैं ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से कंपैरिजन हम जब भी करते हैं तो दो से अधिक चीजों में कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए यही रेशियो है, और मान लीजिए हमारे पास 5 रुपीज है और आपके पास 10 रुपीज है। हमारे पास 5 रुपीज है और आपके पास 10 रुपीज है, तो हम यह कह सकते हैं कि आपके पास जो पैसे हैं वह हमारे पास से दोगुने हैं। ये हुआ कंपैरिजन। 5 हमारे पास 5 रुपये है, आपके पास 10 रुपये है, यानी कि आपके पास हमसे 2 गुने रुपए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो 25 रुपए हैं वो आपसे आधे हैं। तो इस तरह से हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, और इसका अगर रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 रुपीज इज टू 10, यानी कि 5 रेशियो 10, 5 5 5 10, यानी कि 1 रेशियो 2। इस तरह से हम इसको रेशियो को फाइंड करते हैं। अब है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो सेम सेम हो तो उसको क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हमारे पास 5 रुपये है और आपके पास 10 रुपये है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 5 रेशियो 10, यानी 5 5 5 10। और एक दूसरा है, जब उनके पास 50 रुपीज है और 30 रुपीज है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, यानी कि 15 रेशियो 30, 15 15 15 30, 1 रेशियो 2। हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास 5 रुपीज और 10 रुपीज का रेशियो था और दूसरों के पास 15 रुपीज 30 का रेशियो था, तो इसका रेशियो आया 1:1:2 और इसका भी रेशियो निकला 1:2। तो जब दो रेशियो सेम यूनिट में कंपैरिजन हो, सेम हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको रेशियो और प्रोपोर्शन को फाइंड करते हैं।